झाबुआ नगर पालिका ने कबाड़ से जुगाड़ लगाई। इससे जहां कचरे का प्रबंधन होगा, वहीं इसका उपयोग लोगों के लिए बैठने की बेंच बनाई जाएगी। जी हां, झाबुआ नगर पालिका ने कबाड़ से जुगाड़ लगाई, जिसके चलते मिनरल वाटर की खाली बोतलें जो प्रतिदिन कचरे में निकलती है, इसी बोतलों को एकत्रित कर उनमें प्लास्टिक की पन्नी और अन्य कचरा भर कर उन्हें ठोस बना दिया। उसके बाद इन बोतलों को ईंट के रूप में उपयोग कर सीमेंट से चुनाई करवा कर बेंच का निर्माण किया जा रहा है। कबाड़ से हुए इस जुगाड़ से दो फायदे होंगे, एक तो नगर पालिका के कचरे का उपयोग हो जाएगा और दूसरा जगह जगह लोगों के लिए नगर पालिका आने वाले दिनों में लोगों के बैठने के लिए विभिन्न जगह बेंच लगा देगी। कबाड़ से जहां जगह हो गई, वहां कचरा भी साफ होगा और प्लास्टिक से भी निजात मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत डोर टू डोर कलेक्शन करके एट द सोर्स उसका सेग्रीगेशन करते हैं। तो गीले के साथ में हमारे पास में सूखा कचरा आता है 5 टन के आसपास, उसमें महत्वपूर्ण जो 30-40% आता है प्लास्टिक आता है। तो मुख्य हमारे पास मुद्दा आता है कि उसका डिस्पोज कैसे करें। तो हमने प्रायोगिक तौर पर जो प्लास्टिक्स की बॉटल्स आ रही हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ आ रही हैं, उनको अभी हमने एक प्रायोगिक तौर पर इनोवेशन के तौर पर एक बेंचेस बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे हमारी कॉस्टिंग तो न के बराबर आई रही है, साथ में जो कचरा उसका भी निष्पादन हो जाएगा, पब्लिक को भी एक बैठने के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी। झाबुआ से सुनील डाबी की ये रिपोर्ट।